हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएसटी पेपर 215 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस दैट इज FRP ऑफ सुगर केन इज अप्रूव्ड बाय दी। तो जो सुगर केन का FRP होता है ये कौन अप्रूव करता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यही इसकी जो FRP है वो अप्रूव करती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेट सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन का रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट अकर्स इन एरिया वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो जो सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो उन्हीं एरियाज में मतलब बढ़ती हैं जहाँ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं वो तबाह हो चुकी हो। सेकेंड, इट इज़ अ फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये प्राइमरी से ज़्यादा तेज है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। विद रिगार्ड टू द टीपू सुल्तान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीपू सुल्तान के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इज द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, यानी जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। सेकंड, इज फादर एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल एट दंदीगुल विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंच एक्सपर्ट, यानी उनके पिताजी ने मॉडर्न आर्सेनल जो कह सकते हैं मॉडर्न वेपन से उसकी एक फैक्ट्री लगाई थी दंदीगुल में फ्रेंच की मदद से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टीपू सुल्तान के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों सही है। जो हैदर अली थे उन्होंने ही मॉडर्न आर्सेनल दांदीगुल में फ्रेंच के एक्सपर्ट्स की मदद से बनाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज इन विट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट इज अ म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन दैट इनेबल्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये म्यूचुअल फंड की तरह जो कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में कराता है। सेकंड, इट इज़ रजिस्टर्ड विद द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी रेरा के अंडर रजिस्टर्ड है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 only, सेकंड गलत है, ये रेरा के अंडर नहीं बल्कि सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू द डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो डस्ट पार्टिकल्स होती है एटमोसफियर में उसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, दे असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, यानी मदद करते हैं क्लाउड बनने में। सेकंड, डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसनट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। जो डस्ट पार्टिकल है वो लोअर लेयर में नहीं कह सकते हैं जो ट्रोपोस्फियर है उसमें ही होती हैं। थर्ड है, द कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द पोलार रीजन इज मच हायर देन द सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी जो डस्ट पार्टिकल है वो पोलार रीजन में ज़्यादा होती है कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 2 only, यानी इससे पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। डस्ट पार्टिकल पोलर रीजन में कम होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर लेस होता है, लेकिन वहीं अगर सब ट्रॉपिकली बात करें तो दो अलग अलग जो कह सकते हैं विंड्स हैं वो कन्वर्ज होती है, इस वजह से यहाँ पे डस्ट पार्टिकल का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, अरुण 3 डैम इज अ जॉइंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया नेपाल, यानी जो अरुण 3 डैम है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और नेपाल का। सेकंड है, इंडिया कंस्ट्रक्टेड सलमा डैम इन अफगानिस्तान, यानी इंडिया ने एक सलमा डैम अफगानिस्तान में बनाया है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। जो सलमा डैम है, वो जो वहाँ की रिवर है, अमूदर है, उस पर बनाई गई है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन एंटी साइक्लोन्स एयर मूव क्लॉकवाइज, यानी एंटी साइक्लोन में जो हवाएं होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। सेकंड है, एंटी साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद द काम एंड स्टेबल वेदर, यानी एंटी साइक्लोन में जो वेदर होता है वो काफ़ी शांत और स्टेबल होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू द मनी बिल्स इन इंडियन पार्लियामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो मनी बिल संसद में पेश होती है उससे रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा, यानी मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। सेकंड है, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन वेदर अ मनी बिल इज अ बिल इज अ मनी बिल कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। तो जो डिसीजन होता है स्पीकर का मनी की कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, वो फाइनल होता है और वो किसी भी पार्लियामेंट में मतलब उसके रिगार्डिंग सवाल जवाब नहीं हो सकता है, या किसी कोर्ट में भी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ईआईए के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इन इंडिया इट इज गवर्न अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑन 1986। तो जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो ईपीए एक्ट जो है हमारा 1986 उसके अंदर बना है। सेकंड है, इस्पू कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन इन विच द स्टेट हैव टू असेस द बाउंड्री इंपैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, यानी इस्पू कन्वेंशन एक हुआ था जिसके अंदर जो भी सरकारें हैं उनको मेजर करना होता है कि कितना इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसी के अंदर असेस होता है, यानी कि पता चलता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर सी, बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो किन गैस की वजह से होता है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस का। अगर वाटर वेपर के जब कोई और होता जैसे मान लीजिए सीएफसी, तो उस समय आंसर ई होता है, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड होता, लेकिन जब वाटर वेपर दिया है तो यही हमारा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूटर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 214 था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ये 7th शेड्यूल में किस लिस्ट के अंदर मौजूद है, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, स्टेट लिस्ट। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 215 है उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड एट। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए, जेनेवा, बी, वियना, सी, न्यूयॉर्क, या डी, मॉस्को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।